सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह एंड हमारी फर्म का नाम है एमके इंजीनियरिंग वर्कर्स। हमारी फैक्ट्री जो है वो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में हम काम करते हैं। गुरुवर साहब बेसिकली हमारी यहाँ पे यहाँ का नाम है जो काफ़ी फेमस है हाइड्रोलिक मशीनों के लिए। और पिछले 30 साल से हम हाइड्रोलिक में ही काम करें। हमारे पास 20 से लेकर 25 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, शायद आपने पिछली वीडियोज़ में भी देखा होगा, जो कि अलग अलग काम के लिए यूज़ होते हैं। मोस्टली जो हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं बेंडिंग, पंचिंग और कटिंग के लिए यूज़ होते हैं। बट आज के लिए मैं आपको जो प्रोडक्ट लेके आया हूँ, आज का प्रोडक्ट का नाम है हाइड्रोलिक प्रेस ब्रेक। हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज में इसमें हाइड्रोलिक प्रेस कहते हैं, जो कि बेंडिंग के लिए काम आती है, बेंडिंग मशीन भी कहते हैं हम। इस मशीन की खासियत ये है कि बहुत हैवी ड्यूटी में बनी है। हैवी ड्यूटी का काम सर इसका इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी चादर होती है, चादर आपको गेज होती है, गेजों तक आपको अगर बेंड करना होता है तो आपको छोटी प्रेस काम करती है। बट अगर जब जो चादर होती है सूत में आ जाती है, जिसको हम आगे जाके जैसे आपका 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm थिकर, बट इसकी जो कैपेसिटी है वो 7 mm तक की है। ये मशीन हमने जो बनाई है, इस मशीन की फीट है, जो लंबाई है 102 इंच, 8 फीट का इसका बेड है। 8 फीट तक आप इसमें चादर जो बेंड कर सकते हो। चादर आपकी जो कहीं पे भी, जैसे आपका हार्वेस्टर का काम हो रहा है, कंबाइन पार्ट का काम हो रहा है, कहीं पे भी काम हो रहा है, तो आपको उसके लिए यहाँ पे जो है ये चादर जो है बेंड करके दे सकती है। 7 mm तक की कैपेसिटी है, बट इसकी कैपेसिटी बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। हमने इसकी कैपेसिटी इसके जो है कस्टमर के अकॉर्डिंगली हमने चेंज करी हुई है। आप अगर मशीन ऑर्डर देना चाहते हो तो आपके लिए भी हम कस्टमाइज मशीन बना सकते हैं। अच्छा, ये जो वाली जो मशीन है, इस मशीन में सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मशीन वर्क कैसे करती है। बट उससे भी पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये हमारी जो मशीन है ये पूरी ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक है। एक होती है हैंड ऑपरेट, हाथ से होती है, यहाँ पे लीवर लगा होता है, लीवर से काम करती है। बट ये वाली जो है ये पैनल बोर्ड से ऑपरेट होती है। ये दोनों साइड से काम करेगी, हाथ से भी काम करेगी और पैर से भी काम करती है। पैर के लिए ये आपके यहाँ पे फुट रेस्ट जो होते हैं इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सी इसकी फंक्शनिंग समझाता हूँ कैसे होती है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद आपको ये समझाऊंगा कि ये बैंड कैसे डालती है। ठीक है सर। अच्छा, मैं अभी मशीन स्टार्ट करने वाला हूँ। अच्छा, अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि हाउ डज इट ऑपरेट, ऑपरेट कैसे करेगी ये मशीन। ये पूरा आपको मैं मॉड्यूल बताऊंगा इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अगर हाइड्रोलिक को ऑन करते हैं तो हमारी पहले मोटर ऑन होगी, मोटर स्टार्ट हो चुकी है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। देन अगर इसको हमने तीन तरह के, यहाँ पे हमारे पास पावर्स होती हैं कि तीन तरह से इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जाके बंद हो गया, ये बिल्कुल ऑपरेट नहीं करेगी। यहाँ पे आगे आपका अगर इस स्विच को अगर आप मैनुअल की तरफ लेके जाते हो तो ये स्विच जो है मैनुअली ऑपरेट करेगा। बेसिकली ये जो मैनुअल मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो है हैंड ऑपरेट के लिए, ये वाले के लिए। ठीक है, मैं अगर इसको यूज़ करता हूँ तो ये देखो, अगर आप देखोगे तो मशीन चलने लगी है, ये ऐसे मशीन चल रही है सर। हाँ, अब उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो आती है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन जो आती है वो है सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक का मतलब है कि हम इसको फुट ऑपरेट कर सकते हैं। आपको स्विच को डाउनवर्ड लेके आना है और उसके बाद ये रहे आपके फुट्स, इसको लेके जाना है ये वाला, इसका यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे ये ऑपरेट हो रही है। अब जो अगर दूसरा फुट दबाते हैं तो ये इससे ऊपर चली जाएगी, राइट। एंड इसके बाद हमारी थर्ड ऑप्शन जो आती है, थर्ड ऑप्शन को हमने फुली ऑटोमेटिक में अगर सेलेक्ट कर देते हैं, फुली ऑटोमेटिक का मतलब है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मशीन ऑटोमेटिकली अपने आप काम करेगी, राइट। अभी इसके बाद यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है सर ऑटो स्टार्ट का, अगर यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखोगे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और ये मशीन अपने आप नीचे जाके ऊपर आ रही है। ये तो आ गई आपकी एक बार, राइट, ये आपकी आ गई एक बार। अगर हम इसको फुली ऑटोमेटिक करने के लिए, जैसे अगर वर्कर ने काम करना है, वर्कर ने काम करने के लिए क्या करना है कि फुली ऑटोमेटिक काम करनी है कि आपकी जो मशीन है नीचे आए, नीचे ऊपर चली जाए, ऑटोमेटिकली चलती रहे, उसके लिए हमने ऑटो स्टार्ट पे पुश कर देना है। ऑटो स्टार्ट पे करने के बाद ये जो आपका फुट है इनमें से एक फुट काम करेगा ऑटोमेटिक के लिए। ये हमने ऑटोमेटिक स्टार्ट करा, ऑटोमेटिक स्टार्ट करने के बाद ये फिट है, इसको आपको दबा के रखना है। ये जो ये देखो मशीन ऊपर जाएगी अपने आप, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मशीन अपने आप चल रही है। हाँ,
अब आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये मशीन ऑटो कट कैसे करती है, ऊपर कितनी जानी है या नीचे कितनी आनी है, वो कैसे ऑपरेट होता है। उसके लिए हमारे पास जो हमने गेज लगा के दी है वो ये वाली गेज है। ये वाली गेज के लिए हमारे पास ये लिमिट स्विच होते हैं दो। ये लिमिट स्विच का मतलब होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है मशीन ऑपरेट करती रहेगी, इससे ऊपर ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे ज़्यादा नीचे नहीं आएगी, इसके बिल्कुल इन बिटवीन रहेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने पैर दबाया हुआ है, यहाँ पे पैर से आप देख सकते हो, पैर से दबाने के बाद ये जो आपकी मशीन है ऊपर नीचे ऑटोमेटिकली चलती जा रही है। ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक आप इसको जो फुट है अपना उसको दूसरी साइड पे नहीं लेके आते, राइट। ये ऑटोमेटिकली चलती रहती है। अगर आपको लगता है कि मशीन कहीं ना कहीं कारण की वजह से, सेंसर की वजह से मशीन ऑपरेट बंद नहीं हो रही या मोटर बंद नहीं हो रही, उसके लिए हमारा ये वाला बटन है, इसको कर दो, मशीन अपने आप हर जगह पे रुक जाएगी। ठीक है सर, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका ऑपरेटिंग तो मैंने आपको बता दी कैसे काम करेगी कैसे नहीं करेगी, बट सेकेंडली इसको हम ऑपरेट कौन सी चादर पे करते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। हमारे पास मिनिमम जो कैपेसिटी रहेगी 5, 6 या 7 mm की जो भी हमारे पास अवेलेबल रहेगी वो उस पर हम आपको जो है मशीन चला के दिखाएंगे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब ऑपरेटिंग के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसको यूज़ करना है कि थिकनेस वाली जो चादर होती है कि कितने mm तक हम बेंड कर सकते हैं, मेरे पास अभी जो अवेलेबल पीस है चित्र का वो है 5 से लेके 6 mm तक का, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ जो मैं चित्र बेंड करने वाला हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अगर हम चित्र की थिकनेस लेते हैं 5.5 mm की है ये चित्र, ये वाली जो ये वाली चित्र है, मैं आपको ये वाली बैंड दिखा के करके दिखाऊंगा इसी मशीन पे। अगर आप 7 mm तक भी सकते हैं, कैपेसिटी इसकी 7 mm की है, बट मेरे पास जो पीस अवेलेबल है ट्राई के लिए वो मेरे पास यही है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, बाकी कोई 7 mm की करनी होगी तो वो भी कर दूंगा। चलो, तो सबसे पहले हम मोटर को ऑन करते हैं, मोटर हमारी स्टार्ट हो चुकी है। देन अब हम आपका जो पीस है जो हमने बेंड करना है वो पीस आपको हम बेंड करके दिखाएंगे। अभी मैं यहाँ पे स्विच ऑन करने वाला हूँ, ये देखते हैं हम बेंड कितना आराम से जाता है। अब आप इसको देखें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बाहर निकालता हूँ चित्र को, थोड़ी सी हेल्प करना। ये बैंड डल चुका है, पूरा 90 डिग्री बैंड है। इसको अगर आपने कम करना है बढ़ाना है तो वो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप बढ़ा सकते हो। ये है, ये 5.5 mm की शीट है, इसको पूरा हमने 8 फीट का बैंड डाल दिया है, तो ये मशीन ऐसे काम करती है। इसको थोड़ा सा हम साइड पे कर देते हैं। तो अभी हमने बैंड डाल के देखा है 5.5 mm शीट को, बहुत स्मूथली इसने बैंड डाला है, मशीन को इवन देन पता भी नहीं लगा कि इतनी मोटी शीट का हमने बैंड डाल दिया है। हमने जो है अंदाजन मान के चलो आप 10 mm तक हमने जो शीट है वो बैंड की हुई है, बट उसके लिए मशीन थोड़ी सी और हैवी करनी पड़ती है। ये पिलर हैवी करने पड़ते हैं, ये आपका फट्टा जो है वो भी हैवी करना पड़ता है, बेड ओवरऑल सारा जो मशीन है वो हैवी करनी पड़ती है। इसकी लंबाई जो है वो 8 फीट की है, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, 102 इंची तक जाती है, तो 102 इंच की इसकी लंबाई है। तो ये हम ऑपरेट करने के लिए हम आपको जो है, अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो भी अवेलेबल है, हैंड ऑपरेट चाहिए तो भी अवेलेबल है। हमारे पास मतलब कि हर तरह का प्रोडक्ट हम आपको अवेलेबल करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें ये जो पैनल बोर्ड होता है इसमें टाइमर भी लगा सकते हैं। टाइमर का मतलब ये होता है कि जैसे आपने इसको ऑन करा, ऑन करने के बाद ऑटो स्टार्ट किया, ये नीचे जा रहा है, नीचे जाने के बाद अगर ये देखना नीचे जा रहा है, अभी ये ऊपर जा रहा है, इस पे टाइमिंग लग जाती है कि आपको अगर 10 सेकंड का टाइमर चाहिए या 20 सेकंड का टाइमर चाहिए ताकि आपकी जो चादर है वो चादर उठा के आपने उसमें रखनी है, तो वो भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल होती है, बट वो हमें फिर पैनल बोर्ड जो है वो भी हमें अपडेट करके देना पड़ता है। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ, एंड सबसे पहले हो सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लस हमारी जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर कीजिए, जो भी हाइड्रोलिक से रिलेटेड आपके दोस्त हैं या नोन हैं उनके तक हमारी वीडियो जो है पहुँचती करिए। जो भी हम आपको प्रोडक्ट बना के देते हैं सर, वो पैन इंडिया पे हम अवेलेबल करवा के देंगे। इनफैक्ट ये भी जो ऑर्डर आया है वो भी मेरे पास कॉल से आया है, और कॉल से हम अपनी जिम्मेवारी के साथ प्रोडक्ट बना के उनको भेज रहे हैं, इवन कस्टमर मेरे पास आया भी नहीं है। तो सबसे आपको ये सबसे बड़ी सेफ्टी मिलेगी इस चीज़ के लिए,
और दूसरी चीज़ ये है कि हम जैसे आपको प्रोडक्ट बनाना है तो इसके नीचे जो नंबर आ रहे हैं तो इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईजिली कॉन्टैक्ट कीजिए, बहुत वार्मली हम बात करेंगे, बात करके आपकी जो प्रोडक्ट को हम एक बार ऑर्डर बुक करेंगे, उसके बाद जिससे जैसे ही होगा जल्दी से जल्दी हम आपको प्रोडक्ट जो बना के दे देंगे, और बेटर प्रोडक्ट है देख लेके देखिए उसके बाद पता लगेगा, फिर अच्छे रिलेशन बनेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।